अब हम आपके लिए पांचवें चरण के चुनाव का एग्जिट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की स्थिति में बीजेपी कहां खड़ी है और इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है। आज शाम 7 बजे तक पांचवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल मिलाकर 49 लोकसभा सीटों पर 58% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से अभी 4% कम है। पिछली बार यानी 2019 में इन्हीं 49 सीटों पर 62% वोटिंग हुई थी और उससे पहले 2014 में 60.5% वोटिंग हुई थी और इस बार शाम 7 बजे तक इन्हीं 49 सीटों पर 58% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े अंतिम आंकड़े नहीं है, इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज अभी कम से कम 4 से 5% और बढ़ सकता है और इस हिसाब से पांचवें चरण में कुल मिलाकर 62 से 63% वोटिंग हो सकती है, जो पिछले चुनाव के बराबर ही होगी या उससे आधा या 1% ज्यादा भी हो सकती है। यानी आज की जो वोटिंग है वो लगभग उतनी ही है जितनी पिछली बार हुई थी। अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो ये इस बार के चुनावों का लगातार दूसरा ऐसा चरण होगा जिसमें पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। पहले 3 चरणों में कम मतदान के बाद चौथे चरण में 96 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले 0.46% ज्यादा मतदान हुआ और अब पांचवें चरण में भी पहले से ज्यादा मतदान हो सकता है। आज सबसे ज्यादा 74% वोटिंग पश्चिम बंगाल में, 67.5% लद्दाख में, 63.5% झारखंड में और 61% उड़ीसा में हुई। सबसे कम 49.5% वोटिंग महाराष्ट्र में हुई है, 53% बिहार में हुई है और महाराष्ट्र और बिहार में इस बार जम्मू कश्मीर के बारामूला से भी कम मतदान हुआ है। तो सोचिए, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब महाराष्ट्र और बिहार में जम्मू कश्मीर के बारामूला से भी कम वोटिंग होगी। वर्ष 1984 यानी 40 वर्षों के बाद बारामूला में सबसे ज्यादा 55% वोटिंग हुई है, जो अंतिम आंकड़ों में 58 से 59% तक पहुंच सकती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 1984 में इसी जगह बारामूला में 61.1% वोटिंग हुई थी। इससे आपको पता चल सकता है कि आज कश्मीर में भारत का लोकतंत्र जीत गया है। पार्टी कोई भी जीते, उम्मीदवार कोई भी जीते, सबसे बड़ी जीत है लोकतंत्र की और श्रीनगर के बाद बारामूला में लगातार ज्यादा मतदान का नया रिकॉर्ड बना है। आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 58% वोटिंग हुई है। इनमें अमेठी और रायबरेली सीट पर पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि इन दोनों स्थानों पर आज 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान था, बहुत गर्मी थी। अमेठी में पिछली बार 54.1% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार अमेठी में आज शाम 7 बजे तक ही 54.5% वोटिंग हो चुकी है, जो अंतिम आंकड़ों में 57% तक पहुंच सकती है। इसी तरह रायबरेली में पिछली बार 56.3% वोटिंग हुई, जबकि इस बार शाम 7 बजे तक 58% वोटिंग हो चुकी है, जो पिछली बार से 1.7% ज्यादा है और अंतिम आंकड़े आने तक यह 4% और बढ़ सकता है। इस बार रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और जिस कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण चरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर भी पिछली बार से 1% ज्यादा मतदान हुआ है और अंतिम आंकड़ों में यह अंतर भी 4% तक पहुंच सकता है। पांचवें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश की थी और इस बार इनमें झांसी सीट को छोड़कर बाकी की 13 सीटों पर पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा पांचवें चरण में भीषण गर्मी और लू के बावजूद उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना है। उत्तर भारत की 24 सीटों पर 59.5% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 1% ज्यादा है, जबकि पूर्वी भारत में उड़ीसा की 5 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 67.5% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 10% कम है और पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर 49.5% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 6% कम है। यह ध्यान देने वाली बात यह है, महाराष्ट्र में पिछली बार से 6% वोटिंग कम हुई है। पिछली बार बीजेपी को पांचवें चरण की इस वोटिंग 49 में से 32 सीटें मिली थी, उनमें 14 सीटों पर आज ज्यादा मतदान हुआ है, 23 सीटों पर कम मतदान हुआ है। पिछली बार कांग्रेस पांचवें चरण की 49 सीटों में से सिर्फ एक रायबरेली की सीट पर चुनाव जीती थी और इस बार रायबरेली में पहले के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। पांचवें चरण की वोटिंग के बाद देश की 543 में से 427 यानी 79% सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब आने वाले 2 चरणों में सिर्फ 115 सीटों पर चुनाव होने हैं।
अब तक के चुनावों का विश्लेषण यह है कि जैसे जैसे हमारे देश में गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मतदान भी बढ़ता जा रहा है। पहले तीन चरणों में पिछली बार से कम मतदान हुआ, उसके बाद दो चरणों में पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ। इससे पता चलता है कि चुनावी फिल्म का फर्स्ट हाफ तो काफी स्लो था लेकिन सेकेंड हाफ एक्शन और रोमांच से भरा हुआ है।